कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है आपको, तो उसको कि आपको लॉन्ग जंप में तीन चांस दिए जाएंगे आप, और यार तीन चांस मिलेंगे एनर्जी के लिए, आप भूल लग गई, मान लो कि 9 बजे रनिंग स्टार्ट हो रही है तो आप 8 बजे में यहाँ से यहाँ तक आपको किसी अपनी जगह पकड़ने, कॉर्नर पकड़ लेना है और यहाँ तक दौड़ना है। और इस आप सभी स्टूडेंट्स का मेरा नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि फिजिकल वाले दिन जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो वहां पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आप ग्राउंड में क्या गलतियां करते हैं और किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या चीज आपको साथ में लेके जानी है, किन चीज बातों का आप ध्यान रखें, तो आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर लाता रहता हूँ। जैसे आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि फिजिकल टेस्ट के दौरान हम क्या क्या सावधानियां रखें, सबसे पहली बात, जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आपको मतभेद से बचना है। आप सिंपल से बताऊं, वहां पर जैसे कई बार क्या होता है, रनिंग से पहले लाइन लगती है, आपको लॉन्ग जंप से पहले भी लाइन लगती है, तो कुछ स्टूडेंट क्या है कि लाइन में आगे लगने के लिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट आपसे आगे लग गया, आपने कहा आप मेरे से आगे क्यों लग गए, इस तरह से क्या मतभेद नहीं करना आपको, और वहां पर जो भी ऑफिसर होता है या जो भी कर्मचारी होता है उससे आपको लड़ाई नहीं करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है आपको, तो उसको मतलब पोलाइटली बोलना है, रिक्वेस्ट करनी है वहां पर आपको, ठीक है, क्यों, उनका काम फिजिकल कराने का है, उनके कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने अगर गलत आर्ग्यूमेंट किए, गलत चीज बोली या आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बोल गए तो वो आपको जरूर बाहर कर देंगे उसी टाइम वहां से। तो इससे आपको चीज को बच के रहना है, मतभेद किसी से भी न करना है। अगर आपने अपने साथी से मतभेद किया, किसी स्टूडेंट से अगर आपने आपकी लड़ाई हो गई तो मैम हो गई, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज रोल करती रहेगी और आपका पूरा फिजिकल खराब हो जाएगी, आपकी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। मतभेद से बचना है, ठीक है। दूसरी बात, दिशा निर्देश ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि ये जो आपको फिजिकल और प्रैक्टिकल है ना, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है दिशा निर्देश के ऊपर। वहां पर आपको बैठा के बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि आपको किस तरह से कौन सा इवेंट करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या किस तरह से इवेंट को पूरा कंप्लीट करना है और किस तरह से इवेंट करने पर उसको मान्य किया जाएगा, उसको माना जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट को देखा गया है, जैसे आपको उन्होंने आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो और आपको बताया उन्होंने कि आपको लॉन्ग जंप में तीन चांस दिए जाएंगे आप, और यार तीन चांस मिलेंगे, तो फिर वो गर्ल्स में आपस में बातें, बॉयज आपस में बातें करने लग जाते हैं, अरे यार तीन चांस मिल रहे हैं, जब तक कि उतने में उन्होंने बता दिया आपको कि आपको रस्सा भी आपको कैंची के साथ ही विदाउट कैंची कैसे भी कर सकते हो, आपने वो बात तो सुनी नहीं, वो लॉन्ग जंप की सुन के उसमें खुश होकर रह गए। दिशा निर्देश बहुत ही ध्यान से सुनने हैं आपको, कंप्लीट ध्यान से सुने। थर्ड चीज, एनर्जी के लिए क्या लें, तो एनर्जी के लिए आप जब जाओगे ग्राउंड में तो आपको वहां पूरा दिन लगने वाला है, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज तो आप अपना खाने का एक लंच बुक जरूर लेके जाएं, क्योंकि जो कर्मचारी पूरे दिन वहां पर रहेगा तो वो भी लंच करेगा, तो 1 से 1.5 बजे का समथिंग का लंच का टाइम होता है, 1 से 1.5 बजे तक का है ना, तो उस टाइम आप अपना टिफिन लंच बुक्स लेके जाएं और लंच कर सकते हैं। दूसरी बात, एनर्जी के लिए आप एक आता है इलेक्ट्रोल का पाउच होता है, इलेक्ट्रोल ये आपको मेडिकल की शॉप पे मिल जाएगा, 22 रुपए का कुछ पैकेट आता है, ये आप यूज कर सकते हो, ये आप जो अपना पानी है 1 लीटर का पानी बोतल उसमें आप ये मिला के ले जाना और एक साथ नहीं पीना, आराम से पानी पीते हो ना, तो जैसे प्यास लगे आपने एक घूंट पी लिया, फिर प्यास लगे फिर, तो ये आप इलेक्ट्रोल का पाउच लेके जा सकते हो। दूसरा, जैसे आपकी रनिंग अगर टाइम से स्टार्ट हो जाती है, सुबह खाली पेट जाना है, ठीक है, कुछ भी खा के जाना, पानी पी के जा सकते हो, आप पानी पी सकते हो। और अगर मान लो फिजिकल ज्यादा ही लेट होने वाला हो, जैसे 9-10 बजे समथिंग फिजिकल होने वाला हो, तो कोई चाय वगैरह पीता है या सिंपल सा थोड़ा बहुत वो ले सकता है। और एक आप ग्राउंड में बनाना ले जाना, 2 या 2 बनाना या फिर 1, उसको क्या करना है, जैसे आप ग्राउंड में गए, आप भूख लग गई, मान लो कि 9 बजे रनिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप 8 बजे समथिंग 8 बजे 1 केला खा सकते हो आप, ठीक है, केला क्या है, बूस्ट करता है, इसलिए आप 1 केला खा सकते हो। और 10 बजे बाद रनिंग हो रही है तो फिर आप वो 1 केला और खा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं आपने दोनों के एक साथ खा लिए, आप खाना खा के चले गए, बिस्किट खा के चले गए, बिस्किट वगैरह ये चीजें नहीं खानी आपको, ठीक है, ऐसे नहीं आप दूध पी के चले गए 1/2 किलो, उन चीजों से बचना है। आप लंच बॉक्स साथ में लेके जाना है, एनर्जी ड्रिंक के रूप में आप इलेक्ट्रोल का पाउच लेके जा सकते हो पानी में मिला के। सेकेंड चीज, आपको 2 बनाना लेके जाना है, ठीक है। फोर्थ चीज, इवेंट्स को, जो भी इवेंट हो उससे पहले उसको अपने माइंड में रिपीट करना है। जैसे मैं पहले वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को बता रहा था, मैं आप ही रनिंग होने वाली है
तो ऐसे नहीं आप सिर्फ गुमसुम से बैठे रहो, बातें में लगे रहो, आपको ट्रैक को अपने दिमाग में देख लेना है, एक बार ग्राउंड को देख लेना है कि कहां पर ग्राउंड, किस तरह ग्राउंड है, क्या 100 100 मीटर 100 मीटर ग्राउंड तो नहीं है जिससे हमको 4 राउंड निकालने हो, ठीक है। कहीं ऐसा हो कि ग्राउंड बड़ा हो और उसके अंदर हमको 400 मीटर से पहले ही रुकना हो, क्यों, काफी चीजें अलग अलग हो जाती है, तो इससे आपको बच के रहना है ना। जैसे कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं कि इवेंट को मैंने कैसे, रनिंग का हो गया, तो रनिंग में पहले आपको ट्रैक देखना है, ट्रैक इस तरह से होता है, नॉर्मली ट्रैक क्या होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। तो आपकी रनिंग यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, आपने यहां से यहां तक आपको किसी अपनी जगह पकड़नी, कॉर्नर पकड़ लेना है और यहां तक दौड़ना है, और इसके बाद पूरी ताकत लगा देनी है आपको, यहां पर आप स्टूडेंट्स को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां पर क्रॉस नहीं करना है इस गोलाई के अंदर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से क्रॉस करने तक में यहां से यू दूर से भागते हैं, तो आपकी जो ट्रैक की दूरी है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट जो क्रॉस करना है वो इस सीधा सीधी के अंदर क्रॉस करना है, फिर यहां पर आप रहोगे और फिर जो भी लास्ट में स्टूडेंट्स बचते हैं उन सबको पूरी ताकत से आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। और सिंगल पर्सन को दौड़ा जाता है तो फिर आपको सिंपल यहां से आप अपनी स्पीड दोगे 50 मीटर के बाद में या 100 मीटर के बाद में, आप पूरी ताकत लगा देनी है और एक रिदम के अंदर आप लास्ट में जहां बंदा खड़ा होगा, ये जो लाइन होगी इसको क्रॉस करने के यहां पर आगे जाके रुकना है, ठीक है। इसी से आप ध्यान रखना, एक बार ट्रैक को अपने माइंड में जरूर रिमाइंड कर लेना, इसमें आपको फायदा मिलेगा। सेकेंड जो चीज है लॉन्ग जंप का है, लॉन्ग जंप में दूसरे के स्टूडेंट के से फाउल हो रहा है या नहीं हो रहा है उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, आपको खुद के इवेंट पे फोकस करना है और अपना इवेंट अपने दिमाग में रिमाइंड करना है, मैं कहां से रनिंग स्टार्ट करूंगा लॉन्ग जंप के लिए, कहां से मुझे स्पीड पकड़नी है और फाउल कहां, पाउडर किस तरह से डाला हुआ है और 12 फुट कौन सा है जहां तक मुझे लॉन्ग जंप करना है, ये चीजें अपने रिमाइंड करनी है। ये सेम चीज रस्ते में होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए इवेंट्स को जब भी आप करने जाओ उससे पहले अपने माइंड में रिमाइंड जरूर करना, ऐसे नहीं आपको खड़ा कर दिया, आप सुन से जाके खड़े हो गए और भागो, आपने दौड़ना स्टार्ट कर दिया और आप कर गए और फिर कहो अरे यार मैंने तो ताकत ही नहीं लगाई, 400 मीटर कंप्लीट पता ही नहीं चला, लॉन्ग जंप का पता ही नहीं चला, मुझे तो फाउल ही हो गया, मुझे पता ही नहीं था यहां से रनिंग करनी थी, ठीक है। आपको लॉन्ग जंप में कितना भी दूर खड़े करें आप वहां चल के आ सकते हो, और जब आपके 16 स्टेप बाकी रहेंगे तब आपको पूरी स्पीड से रनिंग करके और अपना लॉन्ग जंप करना है। फिफ्थ चीज, फिफ्थ जो पॉइंट है कपड़ों का ध्यान रखें, कपड़ों में क्या ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट्स को कि आपकी रनिंग जहां तक एवरेज माना जा रहा है 9 बजे के बाद होगी, 9 बजे के बाद, तो उस टाइम तक आराम से धूप हो जाती है, तो आप सभी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं आपने मुंह बांध रखा हो, कोट वगैरह पहन रखा हो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी रनिंग अभी भी मेरे पास करने आते हैं तो कोट वगैरह पहन के रनिंग करते हैं, वहां पर आपको शॉर्ट्स यूज कर सकते हो आप, ठीक है, हाफ पैंट वगैरह और सिंपल से एक नॉर्मल टी शर्ट भी यूज करनी है आपको, है ना, जिस तरह की बिल्कुल हल्की टी शर्ट, ऐसे नहीं आप शर्ट पहन के रनिंग कर रहे हो, आप पैंट पहन के रनिंग कर रहे हो, 400 मीटर रनिंग है और इसका लॉन्ग जंप में बहुत बेनिफिट मिलता है शॉर्ट्स का, अगर हाफ पैंट यूज करोगे आप नेकर में, अगर आप लॉन्ग जंप करते हो तो आपके क्या स्ट्रेच से आराम से हो सकता है, पैर आराम से खुलेंगे और लॉन्ग जंप बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखें, शॉर्ट्स यूज करें, ठीक है, इस कपड़ों को खासकर आप ध्यान रखें, गलती से भी आप पैंट या शर्ट के अंदर आपको रनिंग निकलनी है, टी शर्ट और हाफ पैंट यूज करनी है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट जो है उसके अंदर काफी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में है कि सर हम नंगे पैर रनिंग करें या शूज पहन के रनिंग करें, तो जिन स्टूडेंट्स को हैबिट नहीं है ना बिल्कुल भी नंगे पैर रनिंग, उनको तो शूज के साथ में रनिंग करनी है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को हैबिट है वो नंगे पैर रनिंग कर सकते हैं, 400 मीटर रनिंग है आप आराम से कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि वो ट्रैक किस तरह का है, कहीं पर वहां पर कंकर वगैरह तो नहीं है, किसी किसी ट्रैक पर क्या बजरी मिलती है, अगर आपके एक भी बजरी का दाना अगर चुभ गया तो फिर आपकी रनिंग वहीं ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, 400 मीटर रनिंग का टाइम वहीं टूट जाएगा, तो अगर वहां पर अच्छा ट्रैक है, वहां पर सही ट्रैक है, हार्ड सरफेस नहीं है तो आप कर सकते हो, अगर हार्ड सरफेस में अगर आप नंगे पैर रनिंग करोगे, अगर हार्ड सरफेस में अगर आप नंगे पैर रनिंग करोगे तो फिर क्या होगा कि उससे आपके पैर जाम हो जाएंगे, आपके सिन पेन स्टार्ट हो जाएगा और उससे आपका लॉन्ग जंप आप नहीं कर पाओगे, और लॉन्ग जंप नहीं कर पाए तो फिर आप रस्ते के इवेंट में भी आप हिम्मत हार जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाएगा, तो इसी आप ध्यान रखिए आप सभी स्टूडेंट्स। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो जितना उसका उतना शेयर कीजिए, और जो रेगुलर व्यूवर्स है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।